₹10 चिकन बिरयानी स्ट्रीट फूड। श्रीरामपुर नाम के गांव में देवा नाम का आदमी बिरयानी सेंटर चलाता था। वो अच्छी क्वालिटी और बड़े रीजनेबल रेट में बिरयानी देता था, इसीलिए सब उसी के पास ही बिरयानी खरीदते थे। ऐसे ही एक दिन देवा बिरयानी सेंटर में मुर्गियों का फार्म का ओनर गणेश उसका सहायक जिगर के साथ आया। क्या रे देवा, आजकल हमसे चिकन नहीं खरीद रहे हो, क्या हो गया? मार्केट रेट से 20 रुपए ज्यादा में दोगे तो कौन लेगा भैया, आज से तुम्हारा चिकन मुझे नहीं चाहिए। देख भाई, तूफान से टक्कर लेने जा रहे हो, मेरे खिलाफ जो कोई भी आएगा उसके अकल ठिकाने करके ही छोड़ूंगा। देख, रोज मेरे पास फ्री की बिरयानी खाने वाले तुम मुझे वार्निंग दे रहे हो तो कॉमेडी लग रहा है, तेरे पास चिकन नहीं खरीदूंगा, जो करता है कर ले। गणेश और जिगर वापस अपने मुर्गियों के फार्म तक आ गए। अब उस फार्म के पास जिगर से गणेश। अरे उसे कितना घमंड है रे, मुझसे ऐसे बात कर रहा था, उसे किसी तरह सबक सिखाना होगा, हमारे चाल से उसका दिमाग चकराना चाहिए। भैया वो भी तो व्यापार करता है ना, उसका लाभ भी तुम ही लोगे तो वो क्या करेगा? क्या रे, मेरे साथ रहकर उसे सपोर्ट कर रहे हो, काम नहीं चाहिए तुझे? मन में जिगर, छी ये बड़ा कमीना है, अच्छी बातें समझ ही नहीं आती, ऐसे ही करता है, अंत में सब चला जाएगा, सोच रहा था। अरे जिगर मुझे सुपर आइडिया आया है रे, वो देवा का छोटा भाई बेवड़ा बाबजी है ना, उसको उकसा कर उससे ही उसके भैया के आगे ही बिरयानी सेंटर लगवाएंगे, वहाँ उससे भी हम कम रेट में चिकन बेचकर उसके भाई के बिजनेस को गिरा देते हैं, क्या बोलता है? अगर कम करना ही है तो देवा को ही कम करके बेच सकते हो ना, हमारा बिजनेस भी अच्छा चलेगा, पैसे भी टाइम पे देता है। ए चुप कर, सब जानता है ऐसे बात कर रहा है, पहले वो बाबजी के पास चल। एक जगह दारू पी रहे बाबजी के पास जाकर गणेश ने उससे उसके बिरयानी होटल का प्लान कहा। सुपर भैया, आप भगवान बनकर सही टाइम पे आए हो, मुझे भी कब से ही मेरे भैया वही देवा को सबक सिखाना था, लेकिन सबको उसका चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, क्या करना समझ नहीं आ रहा है? उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो, हम लोगों को कम पैसों में 4 दिन बिरयानी देंगे, बस उसका धंधा पूरी तरह से गिर जाएगा, ये सब के लिए क्या करना है, क्या क्या चीजें चाहिए बोलो, मैं अरेंज करता हूँ, कहकर वहाँ से चले गया। उसके अगले दिन देवा की शॉप के आगे ही बाबजी एक बड़ा सा चूल्हा उसके ऊपर एक बड़ा प्लेट सेट करके बिरयानी बेचने लगा। ये सेटअप देखकर गणेश, अब्बा बाबा बा, भाई आग लगा दी तूने, तेरे अरेंजमेंट्स मामूली नहीं है, मुझे पसंद आ गया, बस आज तेरा बदला और मेरा बदला एक ही है भाई, उतना ही नहीं तुझ में और मुझे फर्क ही नहीं है, मैं 4 दिन गांव जा रहा हूँ, तुझे जितना चाहिए उतना चिकन ले ले, मेरे लौटने तक उसकी शॉप नहीं रहनी चाहिए, जरूरत पड़ी तो बिरयानी 10 रुपए में ही दे दो, कहकर चला गया। उस दिन के बाद 10 रुपए में ही बिरयानी बेचने पर लोगों ने भर भर कर खाना शुरू किया। ऐसे 10 रुपए की बिरयानी आसपास के गांव में बहुत फेमस हुआ। और लोग आकर बहुत खरीदने लगे। ऐसे ही एक हफ्ता चला। एक दिन बाबजी के शॉप के पास आकर गणेश, अरे बाबजी क्या किया तूने, तेरे भैया की शॉप खाली करने कहा था, मेरी चिकन की शॉप खाली कर दी तूने, उसके ऊपर किराना शॉप में मेरे नाम पर 50,000 का कर्जा कर दिया है, अभी के अभी वो किराने वाले का और मुर्गी के पैसे भरो। क्या पैसा दूं? 10 रुपए में बिरयानी तुम्हारे दादा देंगे क्या? देख भाई, तेरा बदला मेरा बदला एक है बोल रहा था ना, उसके पैसे तू ही देना, तेरे लिए मेरे खुद के भाई के सामने बिरयानी शॉप खोलकर उसकी भी दुकान बंद करवा दी, आज अपना रेशन भी खत्म हो रहा है, कल से हमें और चाहिए, जल्दी से चिकन और बाकी सामान भेजो, हम ऐसे ही 10 रुपए में चिकन बेचकर देश की सेवा करेंगे।
अरे भाई तुझे प्रणाम, तेरी 10 रुपए की बिरयानी को प्रणाम। मुझे छोड़ दे रे, अभी किया कर्जा ही मेरे सर पर आ गया है। कहते हुए वहाँ से भाग गया। क्या रे, मुझे और भैया को लड़ाना चाह रहा था। अब कर्जा उतारते रहना गदा कहीं का। मिनी सुपरमार्केट शॉपिंग कार्ट। सूरजनगर के गांव में एक नया सुपरमार्केट खुला था। उस गांव के बस्ती में कुछ गरीब बच्चे रहते थे। एक दिन वे गरीब बच्चे सुपरमार्केट में आए, तब सुपरमार्केट का ओनर नटवर, हे बच्चे कहाँ घुस रहे हो, तुम लोगों के पास 1 रुपए भी नहीं होता है कहकर मुझे पता है। तुम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं खरीद सकते हो और शॉपिंग कार्ट में सब सामान डाल के आखिर में उनको काउंटर के पास छोड़ के चले जाते हो। हाँ सर, अब जो बोल रहे हो वो सही है, हमारे पास पैसे नहीं है, मगर मेरे दोस्तों को शॉपिंग कार्ट से खेलने का मन कर रहा है। थोड़े देर खेलने दीजिए ना सर, आपको पुण्यम होगा, हम आपके सुपरमार्केट को कुछ खराब नहीं करेंगे, प्लीज सर। ए, कहने से समझ में नहीं आता है क्या, आप लोगों को खेलने के लिए ये कोई प्ले हाउस नहीं है, चुपचाप यहाँ से जाओ नहीं तो मेरे हाथों से मार के भेजूंगा। तब वो गरीब बच्चे उदास होकर चले गए। ये सब होते हुए नटवर की बेटी मनु ने देखी। एक दिन मनु ने सुपरमार्केट का सब सामान को निकाल के फेंक दिया। क्या कर रही हो तुम, सुपरमार्केट में खेलने के लिए बोला तो ऐसे नष्ट क्यों कर रही हो, ऐसा किया तो यहाँ कस्टमर्स कैसे आएंगे। मुझे ये सुपरमार्केट पसंद नहीं आया है, मैं यहाँ पे नहीं खेलूंगी, मुझे मिनी सुपरमार्केट चाहिए, नहीं तो मैं रोज ऐसा ही करूँगी। ठीक है बेटी, तुम्हें अमेरिका से तुम्हारे चाचा से मिनी सुपरमार्केट मंगवाता हूँ, तब तक इंतजार करो। थोड़े दिन के बाद मन्नू के लिए मिनी सुपरमार्केट टॉयस आए। मन्नू ने तुरंत उसको गरीब बस्ती में लेकर गई। गरीब बच्चे उस टॉय को देखकर बहुत खुश हो गए। तब सूरज मन्नू के पास आके, सूरज क्या बच्ची, इस टॉय सुपरमार्केट को इधर क्यों लाए हो, इसमें चॉकलेट बिस्किट और बहुत कुछ है, ये सब हम नहीं खरीद सकते हैं। तुम्हारे पिताजी से भी तुम्हारे पास जो है वो बहुत महंगा लग रहा है, इस शॉपिंग कार्ट को लेके इधर आना है बस, ये सब आपको फ्री है, अब लोगों के साथ मैं खेलने आई हूँ। सच में अगर तुम जो बोल रहे हो वो सच है तो बस्ती के बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। उस दिन से मन्नू रोज गरीब बस्ती के बच्चों से सुपरमार्केट खेल खेलने लगी। बस्ती के बच्चे भी मन्नू से बहुत अच्छे से दोस्ती करने लगे। एक दिन नटवर मन्नू से, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम रोज हमारे सुपरमार्केट से किंडर जॉय एग्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, केक्स सब चुरा रही हो कहकर मुझे पता चला, ऐसे करोगी तो हम कैसे जिएंगे, हमारा व्यापार को कैसे चलाएंगे। डैडी पहले आपके बच्चे अलग हैं, दूसरों के बच्चे अलग हैं, ये कहकर सोचना बंद कीजिए, तभी हम बढ़ेंगे। गरीब बच्चों को कम नजर से मत देखिए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब नटवर को अपनी बेटी को देखकर बहुत गर्व हुआ। उस दिन से नटवर गरीब बच्चों को सुपरमार्केट में आने दिया। वो लोग शॉपिंग कार्ट के साथ पूरा सुपरमार्केट के अंदर घूमते हुए खेलते थे और नटवर उन लोगों को फ्री में चॉकलेट्स और बिस्किट्स देता था। मन्नू वो देखकर बहुत खुश हो गई। उस दिन से उनका व्यापार 2 गुना बढ़ गया।